हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स के रिकॉर्डिंग आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेके आया हूं इस वीडियो में कल के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी ट्रेडर्स है जिनको भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, वो नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट जो एफ स्टॉक है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देन हम उन्हें अपने प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर लेंगे। जिन्हें भी हमारे नॉर्मल टेलीग्राम में ऐड होना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके ऐड हो सकते हैं दोस्तों। आइए आप लोगों को सबसे पहले मार्केट अपडेट दे देता हूँ। आज के दिन में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 11500 का एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, वो भी यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूसली टूटते हुए दिख सकता है, ठीक है। करीबन अगर मैं बात करूँ तो 6 स्टॉक ऐसे थे जो मात्र पॉजिटिव थे, यहाँ पर अगर 44 स्टॉक की ऐसे बात करता हूँ जो नेगेटिव थे। बेसिकली आप अगर यहाँ पर आप टॉप लूज़र और टॉप गेनर की लिस्ट देख सकते हो, जिसमें 5 स्टॉक तो आप लोगों को ऊपर ही दिख रहे जो मात्र पॉजिटिव थे, ठीक है। उसके बेस पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे आज PEML में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज भी देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेट 2 दिन में इसमें 100 से 150 पॉइंट का काफ़ी गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ और कल के लिए उसमें मूवमेंट बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडर्स, मैंने आप लोगों के लिए पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है ग्रासिम इंडस्ट्री का। आज इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अप्रॉक्सीमेट 3% की गिरावट है। आज का प्रीवियस क्लोज देखिए, जो लास्ट आज का ओपन प्राइस, ठीक है, आज का हाई प्राइस और अगर इसका लो प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसने लो लगाया था, आप लोगों को दिख ही रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ़ शेयर की बात करता हूँ तो करीबन 28 लाख के से ज़्यादा के यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ़ शेयर में था। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ़ लेग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 20 लाख के समथिंग का ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग में देखने को मिल सकता है। अगर इसका डिलीवरी पैटर्न की बात करूँ तो आप सोच सकते हो डिलीवरी इतनी गिरावट के साथ, काफ़ी ज़्यादा दिनों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके इंट्राडे के आज के परफॉर्मेंस के चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कल के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो आज का इसका चार्ट पैटर्न था, काफ़ी मोमेंटम भरा रहा था, ठीक है। जो रेजिस्टेंस लेवल था, एक बार इसने ये रेजिस्टेंस लेवल बनाया, देन सेकेंड बार यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, देन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा था, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इसने गिरावट ही देखने को मिला। अगर मैं इसका 5 दिन का चार्ट हटाते हुए 1 महीने के चार्ट दिखाता हूँ तो 1 महीने में अप्रॉक्सीमेट 114 पॉइंट की गिरावट, 14% की गिरावट यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही चीज़ देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों को कल के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से इसने ब्रेकआउट बनाया, एक रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, तो आप लोगों को मैं कल की डेट के लिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस बताता हूं दोस्तों, ठीक है। प्री मार्केट में दोस्तों आप लोगों को अगर ये 700 के प्राइस पे मिलता है, इसको हाई वॉल्यूम के साथ आप आसानी से सेल कर सकते हो। करीबन अगर टारगेट की मैं बात करूँ 685 अप्रॉक्सीमेट आप 15 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस की मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को प्री मार्केट में ही दिख जाएगा, तो उसके बेस पर आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो सकता है इस स्टॉक में, प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है। जो भी ट्रेडर से जो भी पोजीशन बनाता है वो पहले खुद से भी रिसर्च करे, देन उसके बाद ही इसमें पोजीशन बना के काम कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो भी आपके यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र है या जो भी ब्रोकर है उनसे भी पहले कंसल्ट करें, दिन इसके बाद ही इसमें पोजीशन बना के काफ़ी अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं। अब आप लोगों को सेकेंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ, क्या रह सकता है सेकेंड स्टॉक में आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज का सेकेंड स्टॉक जो है दोस्तों BEML का है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें आज भी रहा था गिरावट के साथ, इसमें भी करीबन 3.5% की गिरावट थी। प्रीवियस क्लोज चेक कर सकते हो इसका, गैप डाउन ओपनिंग लिया था करीबन 7 पॉइंट का, हाई लगाया 2 पॉइंट का लेकिन लो पॉइंट लगाया, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली 2 दिन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 2,29,000 के समथिंग का था। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग की बात करूँ तो मात्र 18,000 का था, नॉर्मली था, ज़्यादा मोमेंटम नहीं, ज़्यादा ट्रेड इसमें होता नहीं है, ठीक है। एक अच्छे कैटेगरी का स्टॉक है आप देख सकते हो। इसका अगर मैं डिलीवरी पैटर्न की बात करूँ तो 20% है, जो कि मात्र 47,000 पर इसमें 20% की यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिल रही है। अब इसके भी चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ और आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ कल के लिए इसमें क्या मूवमेंट हो सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वन साइडेड ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ कि दोस्तों जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी आपके लिए अच्छा रह सके, कि आप लोगों को इंट्राडे में जो भी चीज़ सिखाता हूँ मैं, मान लीजिए कि चार्ट पे हल्का पतला ही दिखाता हूँ लेकिन आप लोगों को सीखने को मिले। जिस जोन में ये ट्रेड करा था दोस्तों वहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट लिया लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट रहा, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली गिरावट देखने का यही चांस है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पर 70 पॉइंट की गिरावट लगभग 5 दिन के चार्ट में। अगर मैं आप लोगों को एक महीने का चार्ट बताऊं तो एक महीने में 150 पॉइंट की गिरावट, तो आप इसको डेली बेसिस के लिए भी आप लोग इसको चार्ट पैटर्न पे रख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम ले सकते हो इंट्राडे में। अब आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस आपके लिए क्या ठीक रह सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये 817 पर मिलता है कल की डेट में, तो आप आराम से सेल करिए। टारगेट की मैं बात करता हूँ तो 817 रुपये का टारगेट लेके बेझिझक लीजिए और काफ़ी अच्छा मूवमेंट रह सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप मात्र 6 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, क्योंकि वन साइडेड ट्रेड है दोस्तों। वन साइडेड ट्रेड के साथ काफ़ी अच्छा मूवमेंट आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। दोनों स्टॉक सजेस्ट करें, दोनों सेल है। कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ सकती है क्योंकि कल एक्सपायरी वैसे ही है, तो काफ़ी मूवमेंट आप लोगों को मिलता है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड करिए। और हमारे चैनल जो है उसका टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी ऐड होके मार्केट का आप अपडेट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। वीडियो को क्लोज करते समय एक बार आप लोगों को यही बोलूँगा, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।